ये दुर्भाग्य की बात नहीं कि जब महाराणा प्रताप लड़ रहे थे तो एक भी क्षत्रिय वंश उनके साथ नहीं था। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, आमेर, जैसलमेर जितने महाराज थे सबकी सेनाएं अकबर की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के महाराणा प्रताप के सामने आकर के लड़ने को खड़ी थी। क्या ये इतिहास हमने नहीं पढ़ा? क्या हमने ये नहीं पढ़ा कि महाराणा प्रताप जब घास की रोटी खा रहे थे उनकी मदद के लिए भामा शाह आए, उन्होंने अपना जो भी खजाना था उसका पूरा मुंह खोल दिया। वो एक व्यापारी थे जिसको आज हम वैश्य या बनिया कहेंगे। क्या हम ये भूल जाएंगे कि समाज की अंतिम पंक्ति में रहने वाले भील, कोल, आदिवासी ये सब अपने टूटी फूटी धनुइयां और मोथरी तलवारें लेकर के महाराणा प्रताप के साथ मुगलिया फौज से टकराने का हिम्मत किया और अपने पूरे प्राणों की आहुति दे दी? उस समय ठाकुर कहां थे? ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि महाराणा प्रताप जैसा महानायक आज अपनी मृत्यु के 450 वर्ष बाद क्षत्रियों का नेता जरूर बन गया, लेकिन अपने जीते जी महाराणा प्रताप क्षत्रियों के नेता नहीं बन पाए। हर एक ठाकुर की तलवार उन पर चली गई। कोई एक गिलास पानी पूछने वाला नहीं था उनको। क्या हम इस पर चिंतन नहीं करेंगे?